मेरा नाम निशा कुमारी है। पहले मैं इस स्कूल में एक मामूली सी लड़की थी और आज मैं बिहार मिलिट्री पुलिस की जवान हूँ। और आज मैं जो भी यहाँ पे खड़ी हूँ ना, ये सब सर जी का ही देन है। वे सर हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हमेशा। मतलब जब मैं तैयारी कर सर, मैं शुरू में जब क्लास ज्वाइन की थी ना, तो जैसे मैं उस टाइम जनरल बेच स्टार्ट नहीं था, टारगेट बेच स्टार्ट था। मैं साल पहले मकेर पढ़ाते, मैं मेरा घर मकेर हुआ। पहले मैं मकेर में क्लास ज्वाइन की थी, तो सर वहाँ पे टारगेट बेच करा रहे थे, तो मैं वही ज्वाइन की। मैं फर्स्ट में क्लास क्लिक कर रही थी ना, तो ये वे सर नीतीश सर राहुल सर पढ़ा रहे थे। जैसे मतलब सर क्लास करा रहे थे, होता नहीं है टारगेट बेच थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नहीं पता। पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होगा ना तो आपकी, तो हार्ड बैच करेगा तो हार्ड आपको नहीं लगेगा। तो मैं तो जनरल बैच थोड़ा कभी किए नहीं थे, फर्स्ट पर मैं ज्वाइन किया था। टारगेट बैच की तो मतलब कोई इतना क्लास हार्ड लग रहा था ना, सर पढ़ा रहे थे, आपको इतना बाउंस कर रहा था, मतलब सर पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि सर क्या पढ़ाते, आपको बकवास लगता है, सर को पढ़ाने नहीं आता है। मतलब सर का बहुत अंदर मैं फ्रेंड से भी शेयर कर रही थी कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, सब बकवास पढ़ाते हैं। खासकर तो राहुल सर जी पढ़ा रहे थे ना, आपको इतना बाउंस कर रहा था, यानी सर क्या लिखवाते हैं संविधान के बारे में आर्टिकल है, मतलब बाउंस इतना बकवास टाइप को बोरिंग टाइप का लग रहा था। लेकिन जब मैं वो बैच की, फिर इसके बाद सर बोले कि मैं सर से कंप्लेन की, सर से फिर मम्मी से मैं बोलती, मैं माँ से मैं बोल के रोते माँ देखो ना, मेरा क्लास मन नहीं लगता, क्लास सर अच्छा नहीं पढ़ाते, हमको बकवास लगता, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर माँ सर के पास गई, पापा भी गया, सर से बात की। सर ने बोला कि देखिए अभी नए नहीं है, टारगेट बैच में है, अभी तो उसको अभी जनरल में तो स्टार्ट नहीं है, जनरल में तो पाठशाला में चल रहा था, पाठशाला में आ नहीं पाए। सर बोले कि जब तक यहाँ टारगेट बैच चल रहा है तब तक करो, उसके बाद जनरल बैच हो जाएगा, शुरू से करेगी तो अपने आप मत समझ आने लगेगा। फिर मैं रेलवे ग्रुप डी के बैच कर दी, फिर उसके बाद सर बोले तुम सेट मारो। उस टाइम फिर जैसे ग्रुप डी के बैच खत्म हुआ, तुरंत क्या बोलते जीटी के बैच स्टार्ट हो गया। जीटी के बैच स्टार्ट बोले कहा कि तुम आकर सेट मारो, सेट मार के तुमको कुछ पता चलेगा कि मेरा लेवल कितना है, पता चल जाएगा। सेट में यहाँ पे मारने आ रही थी, सेट में मेरा नंबर इतना कम आ रहा था, 30-35 से नंबर आ रहा था, मैं बहुत डीमोटिवेट हो जा रही थी कि इतना मेरा नंबर कम आ रहा है, कि हम जीटी के एग्जाम कैसे निकालेंगे, मतलब रोना भी आ रहा था। लेकिन सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप शुरू शुरू में इतना, मतलब शुरू शुरू में पैसे डाल रही फिर भी इतना नंबर आ रही है, भी कि आपके लिए कम नहीं बहुत ज्यादा ही है। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं जैसे जीडी का एग्जाम दे दी, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, बिकॉज मेरे पास मैं उतना बेस्ट में स्ट्रांग नहीं था कि मैं शुरू से उतना पढ़ी नहीं थी। वही उसके बाद जैसे मैं जीडी का एग्जाम दी, एग्जाम देने के बाद मुझे एक्सपीरियंस बहुत आया, क्योंकि इसमें एग्जाम देने के बाद मैथ का मैं कैसे क्वेश्चन आता है, जीएस में कैसे क्वेश्चन आता है, जीके कैसे क्वेश्चन है, करंट कितना पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग कितना, हिंदी कितना पढ़ना पड़ता है, ये सर्च में मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने एग्जाम देने के बाद बहुत एक्सपीरियंस आया, वही मतलब जीडी के एग्जाम देने के बाद ही उनको एक्सपीरियंस आया। और मैंने ठान लिया कि आपकी बात जो चीज का फॉर्म आएगा मैं उसमें निकाल कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो, जब तीन लाख एक करेंगे लेकिन हम जॉब लेकर ही रहेंगे। उसके बाद बिहार पुलिस के रिजल्ट आया, सर ने मुझे बोला कि आप मेहनत दिल से कीजिएगा, आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, शादी विवाह मतलब जितना दोस्त के साथ मस्ती डांस हो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, आप मेहनत कीजिए, अगर नहीं होगा तब आप मेरे से आगे गएगा। सर की मैं बात को फॉलो की, अब मैं जाहिर सी बात है सर बहुत अच्छे हैं और सर बहुत मोटिवेट किया और मैं यहाँ तक पहुंची ना, मैं सर की वजह से पहुंची। और खासकर तो मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा में बहुत सपोर्ट किए हैं, मतलब जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, बहुत कम है। आज पापा मेरे को सपोर्ट नहीं करते ना तो मैं शायद यहाँ पे नहीं होती। मेरे मम्मी पापा ने दो रास्ता दिया था, अगर तुम पढ़ेगी तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ेगी तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो मैं माना, मेरी माँ से बोल नहीं मम्मी हम पढ़ेंगे, हम जॉब लेकर ही शादी कर, चाहे कुछ भी हो जाए जॉब लेकर, मैं अपने पैर पे खड़ा होंगी तभी मैं शादी करूँ, मैं शादी भी नहीं कर सकती। माँ ने मुझे सपोर्ट किया, माँ बोले ठीक है अगर तुम पढ़ना चाहती है मैं तुमको पढ़ाऊंगी। मैं माँ को बात मानी और फिर सर से मैं बात की, सर के कॉन्टेक्ट में थी, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, माँ भी बहुत सपोर्ट की। सर बोले ठीक है, तो बिहार पुलिस के बैच बहुत अच्छा चला। अब आज तक जो भी बैच की ना, मैं जनरल पुलिस में कभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं अपना अपना फीलिंग्स बता रही हूँ। मैं जो वहाँ पे क्लास की टारगेट बैच दो को रेलवे ग्रुप डी के बैच की, फिर जीडीए की और बिहार पुलिस, यही चारों बैच में टारगेट है, बस मैं बैच स्ट्रांग हुआ। सही बात है सर, सही बोला, एक बात सही बोला कि जितना कम टाइम रहता है ना उतना ही मतलब पढ़ाई अच्छा होता है। अब मेरे साथ भी सही हुआ, मैं बिहार पुलिस में मुश्किल से 13 महीना टाइम था, 13 महीना सर जी बिहार पुलिस के बैच कर बोल की ये बात है। मैं सुबह 8 बजे आती थी, एक बार शाम 4 बजे छुट्टी यहाँ से होता था, 4 बजे मैं घर पहुंचती 5 बजे, दिन भर यहाँ क्लास चलता था, बीच में लंच कमरे को नाश्ता करते थे, नाश्ता कर फिर क्लास करते थे। अब फिर यहाँ सर जितना पढ़ाते थे
मैं बोला था बिहार कुछ में तैयार की समझ बिहार कुछ एक मामूली सा नौकरी है, कहते हैं बिहार कुछ निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि मेरे को ज्यादा मेहनत करना पड़ा। मैं दिन रात इसलिए फोकस थी कि मेरा में जिद था कि मैं जॉब ले कर ही रहूंगी। बिहार पुलिस मतलब भले जॉब अच्छा नहीं है, मतलब सर बोलते थे ना कि अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, तुमको मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करो, तुमको यहाँ से छोटा मोटा कोई भी जॉब हो या ग्रुप बी का जॉब है, प्रासिक जॉब की ना, तुम यहाँ से लेकर निकलो, उसके बाद तुम्हारा जो टारगेट है उसे पूरा कर लेना। असल जाहिर सी बात है गाँव में लड़की को पढ़ना इतना अलाउ नहीं होता, मेरा गाँव तो थोड़ा और क्या बोलते हैं, मतलब मेरा गाँव विकसित विकसित थोड़ा सा भी नहीं है लड़की के पढ़ाना। आज मतलब आज मेरी उम्र मेरा भी 23 हो रहा है, मेरे साथ जितनी भी छोटी छोटी लड़की सबका शादी हो गया, इनफैक्ट हो भी रहा है। अभी मैं गांव में सबसे कोई नहीं जाता, बल्कि मैं एक लड़की हूँ, वो भी माँ पापा की वजह से, क्योंकि माँ पापा मुझे इस लाइफ बनाया और आगे भी पढ़ूंगी तो माँ पापा की वजह से ही पढ़ूंगी। सर बोलेंगे नहीं अगर तुमको पढ़ती अगर तुम पढ़ना चाहती हो छोटा मोटा जॉब लो, छोटा मोटा जॉब लेकर तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं सर का बात फॉलो की, सर ने मुझे जो जो मतलब मुझे बताया मैं सर का बात लेकर मैं चले। सर बोले ठीक है, सर मैं मेहनत लेकिन देखी तुमको पता था कितना लोग, मैं सर मेरे को बोले थे कि तुम्हारा जॉब इस पर हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने एग्जाम दिया तो सर बोले कि 70 नंबर पे जिसका 70 ना प्लस नंबर होगा उसी का चल गया। फिर मैं डिमोटिवेट कर सर थोड़ा फोटो टफ लगा, 50-60 क्वेश्चन तो इजी लगा लेकिन बाकी सब थे मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो सर बोले कि कोई बात नहीं तुम मेहनत की हो, तुम जितना बनाई हो ना तुम्हारा उतना ही रिजल्ट आ गया। अब सर का बात लेकिन सर जी निकला, सर का मतलब बहुत बहुत मैं सुविधा करती हूँ। सर ने मुझे बोला था कि तुम जितना बनाई हो ना उतना तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। वही वाह, जब रिजल्ट आया ना मेरे दोस्त भेजी तो मैंने बोला कि नहीं मेरा रिजल्ट नहीं है, हम चेक नहीं करेंगे। बोली तुम चेक करके देखो तो सही है। वैसे मैंने चेक किया, रिजल्ट मैंने देखा, मेरे आंखों में आंसू, इतना मतलब मैं खुशी, खासकर मेरी माँ को बहुत खुशी है, बहुत खुश मतलब नहीं होता है घर में पहली बोला कि दीपक जला है, बहुत मतलब खुशी बात है घर में। मैं प्रणाम की और मैं पूरा खजान की प्रथम लड़की हूँ जो मैं आज बिहार मिलिट्री पुलिस की जान बन गई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर मैंने फिजिकल सर बोले ठीक है, सर ने बताया सर ने भी बहुत खुशी है और मुझे बोले ठीक है तुम फिजिकल का तैयारी करो। मैंने फिजिकल की तैयारी, यहाँ पे गाँव में मेरे दौड़ने का साधन नहीं था, वहाँ पे नहीं, अगर दौड़ती भी थी तो मैं 2:30 बजे रात को जाती थी और 5 मिनट दौड़ती थी फिर भाग आती थी, तो पॉसिबल नहीं था, जंप ही नहीं कर पाए तो गोला फिर पॉसिबल नहीं था। फिर मैं रोने लगी, माँ बोली तू रो क्यों रही है कि चलो तुमको अकेडमी ज्वाइन, मैं पटना गुरु जी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे अकेडमी ज्वाइन किया, वहाँ पे मात्र 2 महीना मैं फिजिकल की तैयारी की थी, बस वहाँ फिजिकल तैयारी की, फिजिकल निकाले गए तो उसमें मेरे साथ धोखा हुआ। वहाँ गए इतना दिन से मैं जंप था 3-8 क्लियर कर लेता, वहाँ पर जब मैं गई पैर में अचानक दर्द लगा, जंप मैं क्लियर नहीं थी, फिर जंप किया, फिर उन्होंने दौड़ मेरा दौड़ ठीक किया, गोला ठीक किया, लेकिन दौड़ जंप मेरा खराब है। फिर उन्होंने लगे सर बोले कि तू क्यों रही है, तुम्हारा उतना ही मेट बन जाएगा। फिर सर को फिर बोले कि तू रो क्यों रही है, तुम्हारा सबको सुनने में आया था कि सीट बिक गया है, जॉब नहीं होगा, आप लोग देख रहे ना कितना सीट बिक रहा है, तो सीट बिक रहा, सबको यही बोला कि सीट बिक गया है कि मेरिट नहीं बढ़ा। फिर वो रोने लगा, फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया कि टेंशन मत लीजिए कि जिस तरह आपका रिटेन निकला उस तरह देखिए आप मेहनत बहुत की है। माँ भी मेरे साथ पढ़ना गई थी तो माँ भी मेरे साथ मेहनत करती, सुबह समझाती थी आती थी लेकर मुझे। सर बोले कि मेरिट बन जाएगा, सर का बात सच हुआ, मेरिट बना, मतलब बहुत खुशी, इतना खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ ना सर की वजह से और माँ पापा की वजह से, मैं सर को और माँ पापा को मैं भगवान का दूसरा रूप मानती हूँ, आगे भी मानूंगी और इन्हीं की वजह से मैं आगे भी मैं जाऊंगी और मुझे आगे पढ़ना भी है और इसीलिए मैं सर के पास है। सर मुझे रास्ता दिखाइए और मुझे पूरा विश्वास, सर मुझे जो बताया मैं उसी बात को फॉलो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आगे तक पहुंच जाऊंगी। और खासकर तो इस क्लास में मुझे लगता है सरस्वती माँ का वास है कि यहाँ पे जो जो लड़की दिल से पढ़ाई की है उसका तो जो हो ही गया, लड़का है लड़की दिल सच्चा है और इस क्लास में सरस्वती माँ सच्चा सरस्वती माँ वास करती है। अभी जो बच्चा दिल से मेहनत करता है सर दिल जिसको सर बोल दिया है ना उसका जॉब हो ही गया। मैं सर के मुंह से हमेशा सुनेंगी बहुत लड़की के समझ से ये होता है सबसे पहला शादी 18 वर्ष की लड़की पहले शादी कर दो, अपने से पढ़ाई तक सब ताना मारते हैं कि लड़की शादी होगी बूढ़ी हो रही शादी नहीं कर रही है बेटी को बुढ़ा रही है इधर, मतलब बहुत ज्यादा ताना देता था। खासकर
थी तो उस टाइम स्मार्टफोन तो चल नहीं रहा था। मेरे हाथ में माँ मुझे स्मार्टफोन दी थी, सब लोग बोल के बेटी को मोबाइल दे दिए कि उसको मतलब माँ को बहुत आनंद सुनने को मिलता था। बोलती थी कि तुम जानती हो बेटी तुम्हारा क्या करना चाहती है, पढ़ना चाहती है कि कुछ और करना चाहती थी। मैं माँ को सब बताती थी, मेरी माँ मुझे भरोसा कर ट्रस्ट करती थी। माँ जानती थी कि मेरी बेटी गलत नहीं है। अब मोबाइल नहीं थी, माँ बोलती गलत यूज नहीं करना, बस तुमको सही यूज करना है, गलत यूज है तुम समझ लेना। माँ हमको दो ऑप्शन देती, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं शादी कर देंगे, नहीं तुम पढ़ाई करो। तो ऑप्शन नहीं था, मैंने नहीं मैं पढ़ाई गया, बस वही मैं रास्ता चुनी पढ़ाई की। और यहाँ तक मैं ट्रेनिंग मेरा कम्प्लीट हो गया, अभी मैं बोध गया में आ गई हूँ। अब कंपनी बनेगा पता नहीं, ड्यूटी कहाँ मालूम नहीं है, फिलहाल मैं बोध गया में हूँ। तो अभी मुझे ड्यूटी तो 6 घंटा करना पड़ता है, वैसे जितना फ्री टाइम है उतना मैं पढ़ाई करने में निकाल। मुझे पूरा विश्वास है मैं दिल से मेहनत करके मैं आगे पहुंच जाऊंगी। सर का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, मैं पहुंच जाऊंगी। कि मेरे पास वो जज्बा है और मैं नहीं चाहती कि जज्बा खत्म हो, कि मुझे आपस मेरा मन है कि मैं भी कुछ ऊंचा करके दिखाऊँ, कि मैं गाँव की और मैं खनाब की प्रथम लड़की हूँ, इसलिए मैं कुछ अच्छा करना चाहती ताकि इस दुनिया मेरे माँ बाप का नाम ऊंचा हो। कभी मेरे पापा 50 साल से जाए वहाँ मेरी बेटी इस लाइक है, मेरी बेटी इस चीज में काम करती है, मैं वो काम करके दिखाना चाहती हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं कर लूंगी, सर का अगर आशीर्वाद है माँ का आशीर्वाद मैं कर ही लूंगी। और आप लोग यही बोल रहे हैं कि कुछ भी हार्ड नहीं है, मेहनत आप दिल से करिए तो कुछ हार्ड नहीं है, बस दिन रात मेहनत करिए। मैं जब तैयारी करती थी मैं कुछ काम नहीं करती। सर ने एक बात बोला ही है कि अगर माँ पापा को मोह माया में देखिएगा ना तो नहीं हो पाए, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए देखो झूठ बोलना पड़े तो झूठ 100 सच के बराबर होता है। वही बात है, अगर माँ पापा कष्ट में तो कष्ट में छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपना लक्ष्य के लिए अलग लक्ष्य प्रति भाग रहे हैं। तो मैंने भी वही किया, माँ पापा सर बोले कि माँ पापा मोह माया देखिए तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो सर मैं तो मैंने भी घर का एक जब मैं तैयारी करती थी मैं घर का एक काम भी नहीं कर रही थी। मैं सही बोला माँ मेरे सामने बैठी है, यहाँ तक मैं अपना कपड़ा भी नहीं धोती थी, यहाँ पर मैं केवल पढ़ाई करती। माँ मुझे पेट पर चाय खाना पानी सब कुछ माँ पेट पे ही देती थी। माँ ने भी बोली थी कि मेरी बेटी जब मेहनत कर रही है तो मुझे कितना करना पड़ेगा। माँ भी मेरे साथ बहुत मेहनत की, यहाँ तक माँ को फीवर भी लगता था ना तो भी माँ मुझे खाना बनाने के लिए खुद बनाती थी या मुझे पढ़ने के लिए छोड़ देती थी। तो मुझे उस टाइम आग सांस में निकलता था कि अगर मैं नहीं निकली ना तो मैं शायद मुझे बहुत अफसर। लेकिन भगवान ने मदद की और सर का आशीर्वाद था कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम बहुत मेहनत करती हो, और हो ही गया। तो आप लोग से भी मैं यही बोलूंगी कि देखिए कंपटीशन इतना हार्ड नहीं है, इतना सोच के चले। अगर कंपटीशन पहाड़ है तो हम भी तब माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आपको यही लेकर करना है, ठीक है। आप भी दशरथ माझी आपको बनना पड़ेगा, अगर कंपटीशन पहाड़ आपके लिए है ना तो आपको भी दशरथ माझी बनना पड़ेगा, इसको जब तक तोड़िएगा तब तक छोड़िएगा नहीं, मैं सबसे यही बोल रही हूँ। इसलिए आप लोग दिल से तैयारी कीजिए, बस मेहनत करना है आपको। लेकिन आपको कुछ पाना है ना तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, खुशी सब कुछ मतलब एंजॉय सब कुछ त्यागना पड़ेगा। जब भी आपको टाइम मिले ना हाथ में बुक लीजिए, मोबाइल भी लेना है तो फेसबुक व्हाट्सएप मत चलाइए, आप उसको सही इस्तेमाल कीजिए। ये मतलब हमेशा नॉलेज वाली चीज देखते रहिए, मोबाइल का गलत यूज मत कीजिए, मोबाइल आपके हाथ में तो गलत यूज मत कीजिए। जाहिर सी बात आप पहुंच जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है सब कोई पहुंच जाएगा अगर दिल से मेहनत कोई करेगा तो। बस मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। नहीं कोई सब बात याद है लेकिन है ना, जो मेरे जैसे ये भी याद करके रखी हुई है ना। लेकिन इनके मम्मी पापा भी अभी तक हम उतना दिन से कम डिनर पढ़ा रहे हैं ना, मतलब ये लोग इतना कंसियस है ना, मतलब और किसी लोग का भी होगा घर पे, लेकिन इन लोगों ने हमेशा इसका जो हो गया और भी इनकी जो बेटी आती है पढ़ने, हमेशा ये लोग फोन कर करके पूछते रहता, उतना तो आज तक किसी का कर मेरे पास मतलब का टच में ही नहीं रहा, इतना ही लोग रहे है ना। जाहिर सी बात है इसका जॉब में उन लोग उनका भी बहुत योगदान है ना। क्योंकि देखिए क्या है कि जब देखिए हम आप लोगों से बोलते हैं अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो किसी की मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ कर आके मेरा काम करो। अगर आप काम पढ़ाई नहीं कर रहे हो मेरा फालतू में घूम रहे हैं तो बुला कर करेगा काम करने के लिए। तो ये लोग पढ़ती है तो उन लोग भी सपोर्ट करते हैं, एक रहे कि हमारी बेटी पढ़ रही है ना, उस केस में उनको मतलब आएगी नहीं कि हाँ मेरी बेटी पढ़ रही है उठेगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उस केस में उन लोग भी मेहनत करते हैं है ना। इस तरह इनकी मम्मी पापा मेहनत किया, उसे भी मेरी भी मम्मी पापा बहुत मम्मी बहुत मेहनत की है, पापा तो जॉब करते थे है ना, मेरी मम्मी तो बाबू हम लोग 2 बजे ना उठा करके पढ़ाने के लिए बैठा देती थी और 2 बजे से स्वेटर बुनती थी, इसलिए कि कहीं आप ये सब सो न जाए, अगर थोड़ा सा भी नींद लगता था तुरंत विद्या भी सब कुछ एकदम है ना।
मेरा भैया चाहे हम लोग जो भी है ना, मेरा छोटा भाई सबको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों आदमी को पूरा पिटाई भी मिला और साथ में उन लोग का देर रहा कि भैया तो मेरे इतना देर हुए कि फर्स्ट बार में एग्जाम दिए, फर्स्ट बार में सबको निकालते हैं, देर है वही है ना। मास्टर टीचर इतना हुआ कि भैया को पीट दिए थे डस्टर से, उसका काम हुआ था ना कि हाथ फूल गया था, फूल गया था, आया मेरे स्कूल में कोचिंग था, मेरा तो घर था ना, नया घर बना था, उसमें स्कूल चल रहा था, आया पुराने वाला घर, भैया बोलेगा कि अरुण से पीट दिया है, मेरा हाथ ये फूल गया, हमारे कोई बात नहीं, तुरंत हल्दी और चूना मिला करके छाप के लेकिन फिर तो पढ़े स्कूल, कोई नहीं आराम से आगे देखते हैं भाई किसी को है, आप काहे बोले हैं, क्यों मारे हैं, वो सब नहीं है बाबू, अब कहानी खत्म है, जो कल से था ही नहीं है ना, पढ़ाई के प्रति शरीर अभी के जमाने में अभी इनके माता पिता पूरा कॉन्शियस है पढ़ाई के प्रति, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग पूरा एकदम घर से खेती से पूरा एकदम धनी मनी है, लेकिन दिल है ना भाई, दिल है ना पढ़ाने के लिए, बस सब कुछ हो जाता है, पैसा कम भी है अगर दिल है ना तो सब कुछ हो जाएगा। आज हुआ ना एक लड़की अपने पैर पर खड़ी हो गई, ठीक है ना, उसके बाद में दो लड़कियां उन लोग का भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा है ना, वो भी पूरा मेहनत करती है ना, मैं तो उसको बोल दिया तुम मेहनत करोगी ना तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट में हो जाएगा शुरुआती दौर में है ना, बताइए उससे बड़ा खुशी क्या होगा भाई, तुरंत तैयारी की 6 महीना में नौकरी होगी सबसे खुशी होता है ना, यही बात है। चलिए सब बात याद है निशा को है ना, जो भी बात बोली है झूठ नहीं बोली है, जो बात है हकीकत, इसका देखो एग्जाम देने गई तो बना के तो मुझसे बोलेगी सर इतना बना है, हम बोले थे क्लास में कि इसमें कट ऑफ इतना जाएगा, ये बोलेगा कि सर मेरा इतना है मेरा तो रिजल्ट नहीं है, हमने इसको बोला अगर बोले बता तुम तो बनाई हो उसमें कितना गलत टच की हो कितना सही की हो, ठीक है ना, तो इसने बोला कि क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी पढ़ता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हम यही बात बोलते हैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन में होता है कॉन्फिडेंस लेवल, आपने अगर 10 बनाया है ना और बता देंगे सर हमने 10 बनाया 10 मेरा सही है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, अगर जीते भी आप क्या अंदर चल गया नौकरी तो हाथ में है, एक बार नहीं हुआ अगला बार में होगा लेकिन होगा है ना, ये बोली कि सर हम जो बनाए है ना हम गलती कर भी नहीं की है, जो बनाया मेरा सही है तो बोले क्या 100% गलत है, क्योंकि निगेटिव जाएगा नहीं ज्यादा है ना, बनेगा ही नंबर है ना, क्या होता है ये चीज, इसका रिटर्न निकल गया, रिटर्न निकलने के बाद में और फिजिकल के लिए रो रही थी है ना, तो बोले हाँ भाई एकेडमिक ज्वाइन करो है ना, मम्मी पापा लोग ले गए, मतलब ऐसा कुछ उन लोगों को पूरा सपोर्ट रहा कि नहीं मेरी बेटी को किसी हाल में हो जाना चाहिए है ना, ये नहीं कि हाँ करना है तो करो कर कितना लोग को छोड़ देता है ना, दो निकल गए तो अपना सब दो अपने बदौलत कर रही है तो कर रही है नहीं कर रही है तो नहीं कर रही, इन लोगों को भी सपोर्ट तुरंत अपने साथ जहाँ मन करे साथ ले गए लिए है ज्वाइन करवाए वहाँ पर भी जाते थे लोग हमेशा आते जाते क्या हो रहा है नहीं हो रहा टच में है ना, हार्डली इसका फिजिकल भी प्रॉब्लम हुआ फिर फोन कर दिए सर देखिए ना दौड़ तो कर लिया है कर लिया ऐसे नहीं हुआ है ना, टेंशन मत लो वो हो जाएगा है ना, वो भी हो गया करेगा ऐसे क्यों ना थोड़ा ज्यादा दिक्कत नहीं लड़की हो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मैं इसी तरह बोल रहा था एक्सपीरियंस भी है या इतना इतना थोड़ा थोड़ा बड़ा में चलता है लड़की लड़का रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, मतलब बन जाएगा ब्रिज बन जाएगा, अब उसके लिए ये जब तक मेरिट नहीं बना ठीक है ना तब तक दो दो तीन तीन दिन पर फोन करती थी सर मैंने इसको कभी डीमोटिवेट नहीं किया हमेशा मोटिवेट नहीं किया है ना, अरे भाई मैंने इसको इसलिए मोटिवेट किया इनकेस अगर नहीं भी होता है ना इसका एनर्जी पता रहे आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैंने इसको डीमोटिवेट कभी कर भी नहीं किया हमेशा मोटिवेट किया, आप लोगों को भी पता कर देगा कि नहीं होगा होगा, लेकिन ये भी बात बोलते हैं दिल से नहीं करोगे तो नहीं होगा बोलते ही है दिल से करना चाहिए है ना, लास्टली इसका रिजल्ट नहीं था तो शायद उसके पहले भी फोन की थी सर आप देख दीजिए क्या नहीं आया उन्होंने, अरे देखो ना आ गया आपका है ना, देख करके पहले बताए मुझे सर मैं भी चेक किया था खा अरे हाँ ये बोली थी सर मेरा रिजल्ट नहीं गया यकीन नहीं हो रहा आप अपना से चेक कीजिए ना रिया सर, तो मैं फिर अपना से चेक करके फोटो देख भाई तुम्हारा आ गया है ना, ये चीज है अब
इसको लाया कि सब अब हम चेक कर लिए तो उसको लाया क्या अब मेरा रिकॉर्ड आया है ना, ये चीज है। मैंने इसके मैसेज को देखा, मेरे पास भेजी, बोले कि तुम्हारा आ गया है। हम देखा बोले कि हाँ आ गया है, बिना देख लो बोल देखे कि आ गया है, बोल दिए अपनी बात को बताए। देखो कहने का मतलब हुआ कि इसका बताने का पर्पस भी आप लोगों के पास भी यूज होना चाहिए, आप लोग के अंदर को महिला जाना चाहिए। आज से तो कम 2-3 घंटा ऊपर जाना चाहिए, है ना। देखो क्या होता है, मेरे यहाँ जो भी